जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली है यह गुजरात से है, चिंतन जी की है, चिंतन ठाकुर जी। आपने जो डिटेल दी है उसका मिलान कीजिए। 16/10/1986 बर्थ डेट, 6:50 PM बर्थ टाइम, मोरबी गुजरात बर्थ पैलेस है। जो डिटेल के अनुसार लग्न निकल के आया है, मेष लग्न है, मीन राशि है, सूर्य केतु कन्या राशि षष्ठम भाव में विराजमान, सप्तम भाव में शुक्र बुध तुला राशि में विराजमान, शनि अष्टम में वृश्चिक राशि में विराजमान, मंगल मकर राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, कर्म भाव में गुरु कुंभ राशि में, चंद्र राहु मीन राशि में विराजमान, जहां चंद्रमा राहु के साथ चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण क्रिया हुआ है। लग्न है जो आपका 9 डिग्री का है तो कमजोर लग्न है, मजबूत नहीं है। तो लग्न को मजबूत करने के लिए अपने घर से बाहर किसी का खाना ना खाएं, अपने घर का ही खाना खाएं, दौड़ धूप करें, योगा प्राणायाम करें, जिम करें, जो भी करें शरीर को मजबूत करें जिससे लग्न मजबूत होगा। और लग्न का जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में आप उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। शनि आपके लिए कर्मेश और एकादशेश होते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद वार गुरुवार, यह आपका पंचांग था जिस समय आप पैदा हुए। शुक्र की महादशा 23/11/2033 तक है, मंगल की अंतरदशा 23/1/2021 तक है। बात करें शुक्र आपके सप्तमेश होते हैं, सप्तमेश मार्केश होता है, और शुक्र अपने ही घर में बुध के साथ, बुध छठे भाव के स्वामी होकर, यानी कि कन्या राशि के स्वामी होकर आपके घर में बैठे हुए हैं, अर्थात सप्तमेश के घर में शुक्र के साथ बैठे हुए। दोनों मित्रवत तो हैं, लेकिन अगर मेष लग्न के हिसाब से देखा जाए तो छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, जो कि सप्तम के साथ बैठ गया है। सप्तमेश से जो छठा भाव है वो द्वादशेश होता है, तो ये आपके लिए विवाह विच्छेद का कारण बनेंगे, विवाह विच्छेद का, तलाक का कारण बन सकते हैं बुध देवता। और बुध की ही राशि में सूर्य केतु एक साथ बैठे हुए हैं, केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह है। शुक्र की महादशा 2033 तक है, और मंगल यानी लग्नेश लग्न कमजोर है, 10 डिग्री के मंगल है, उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन लग्न कमजोर है तो ये क्या है, काफी कुछ जो नेगेटिव प्लैनेट होते हैं, दो पार्टियां होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो शुक्र शनि बुध ये आपके लिए ऑपोजिट अगेंस्ट पार्टियां हैं, जो कि मजबूत स्थिति में आएंगे अगर आपका लग्न कमजोर होता है तो। आप के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी विवाह के बाद, कैसे आप देखिए, द्वादश में चंद्र राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष द्वादश भाव में, सप्तम भाव से लेके सप्तम भाव से जो द्वादश होता है वो छठा होता है, खष्टेश होता है, द्वादश भाव सप्तमेश का खष्टेश होता है, संताप वाला भाव। तो शादी करने के बाद आपको संताप होगा, शादी से आपको दुख प्राप्त होगा, संताप प्राप्त होगा। तो चंद्र राहु की आप शांति करवाइए, भगवान शिव पर आप अभिषेक कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, मन को विचलित ना करें।
सप्तमेश के कारण भी आपको परेशानी रहेगी और मीन राशि है साढ़े साथी लगने वाली है कुछ ही सालों बाद में, तो थोड़ा सावधान रहें। शुक्र की महादशा है, यदि आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं जितना हो सके स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्रवार वाले दिन उनको कोई ना कोई उपहार अवश्य देना चाहिए, अपनी पत्नी को आप उपहार अवश्य दीजिए। आप उनको समझेंगे, वो आपको समझेंगे, कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे तो ये समय जो है निकल जाएगा। शुक्रवार का व्रत माता संतोषी का 11-21-51 संकल्प लेकर अवश्य करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। शुक्र के बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। वापिस सुन लीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मंत्र का आपको 3 माला जप करना है, कमल गट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली आती है। मिठाई, सफ़ेद मिठाइयों का आपको दान करना चाहिए, अकेले मिठाई नहीं खाना चाहिए। आप शुक्रवार वाले दिन मिठाइयों को दान कीजिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कीजिए, मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सर्च कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। माँ की सेवा कीजिए, माँ को भी बोलें कि वो भगवान शिव की सेवा करें, काले तिल भगवान शिव को अर्पित करें तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, रिश्ता मधुर हो जाएगा। आलस्य का त्याग कर दीजिएगा, शुक्र की दशा है, थोड़ा सा आलसी स्वभाव दे देते हैं, तो कोई भी आपको सलाह दे, ज्ञान दे, बड़े बुजुर्ग उनके साथ बैठिए, उनकी सलाह मानिए, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। अपने पैर और अपने वस्त्र, अपनी रसोई बिल्कुल साफ रखें। किसी छोटी कन्या का जब आप कहीं काम पर जाते हैं तो छोटी जो कन्या है 5-6-7 साल की 9 साल तक की, आप उसका चरण स्पर्श करके जाइए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और आपने पूछा है आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर अभी 2033 तक जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 7:30 भी आने वाली है, तो सप्तमेश है, मार्केश है, काफ़ी कुछ सावधान होकर चलना पड़ेगा। 2033 के बाद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ सही होगा, तो सावधान रहें इस समय के लिए। तो सिर्फ इतना ही करना है आपको, माता संतोषी का व्रत कीजिए 11-21-51 संकल्प लेकर, अद्भुत लाभ इससे मिलेगा। और आपकी जो पत्नी है, वाइफ है, उनका कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि, जहाँ पर बात करें उनके खष्टेश के साथ में लग्नेश बैठे हुए हैं कर्म भाव में, और खष्टेश जो नीच का ऊपर बैठा है, चंद्र शनि का विष योग है, केतु अष्टम भाव में विराजमान कन्या राशि में, और अष्टमेश मान सम्मान वाले घर चतुर्थ भाव में विराजमान है, और बुद्ध की ही इनको महादशा चली हुई है, गुरु राहु का चांडाल दोष है, तो काफ़ी दोष हैं इनकी कुंडली में जो कि इनको आगे जाके परेशानी खड़ी करेंगे, हर तरीके के इनको दुख प्राप्त होंगे। केतु बैठा हुआ है तो याद रखिएगा, खेत छुड़ावे खेत, तो इनसे कहिएगा कि थोड़ा सावधानी रखें, भगवान शिव की भी सेवा करें और भगवान गणेश जी की भी सेवा करें, चुगली ना करें, वाणी का सदुपयोग करें, मीठी वाणी बोलें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बहुत कुछ इनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध की दशा चली गई तो भगवान गणेश जी के अगर ये व्रत करते हैं तो इनको अद्भुत लाभ मिलेगा। भगवान गणेश जी को बोलिएगा, भगवान इनको बोलिएगा कि भगवान गणेश को ये 2 लड्डुओं का भोग लगाएं, दुर्वा अर्पित करें, इससे रिश्ते में मधुरता आएगी। बुधवार बुध है, बुध की महादशा है, बुध बच्चा ग्रह होता है, राजकुमार ग्रह होता है, तो परिवार वालों से आपसे इनको अकेला ना छोड़ें, साथ में रखें, इनको समझें, इनसे छोटे बच्चों को कोई उपहार दिलाएं, किन्नरों की सेवा करवाएं, तो बुध भी अच्छा रिजल्ट देगा।
बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।